सूरत शहर की मशहूर मुड़ीता की मिठाई पर हम आए हैं और हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनाए जाएंगे। किसी भी तरह का सवाल या फिर स्टॉप है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर करें, फॉलो जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का स्पेशल एपिसोड। सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी के बेसन को लिया जाएगा और इसे छन्नी में से छान कर एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाएगा। और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाकर हम एक बैटर बनाएंगे। अभी ये बैटर रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए, तो एक बर्तन में निकाल लिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से बैटर को छन्नी में डालकर बार बार इस छन्नी को हीट किया जाता है, जिससे इसके अंदर छोटी छोटी बूंदें निकलती है और ये फ्राई हो जाती है। ये बूंदी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है बाहर निकालने के लिए, तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है एक बड़े से बर्तन में। अभी समय हो चुका है हम बनाएंगे इसकी चाशनी। बड़े से पतीले में पानी लिया जाता है जरूरत के हिसाब से। और इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी की शक्कर मिलाई जाती है। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है, जिससे अगर शक्कर में थोड़ी सी भी इम्प्यूरिटी है तो इसे निकाल लिया जाए। कुछ इस प्रकार से इम्प्यूरिटी निकाली जाती है, जिससे जो चाशनी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने। अभी हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर बूंदी डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिलाकर इसे निकाल लिया जाता है। अभी ये बूंदी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अभी इस बूंदी के अंदर इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाएगा। अभी इस बूंदी को अपने हाथों से शेफ लड्डू का आकार देते हैं। यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर एक लड्डू का जो वजन है वो कम से कम 50 ग्राम हो। तो लीजिए, अभी आपके मोतीचूर के लड्डू तैयार हैं। ऐसे ही बेहतरीन मिठाई के लिए आप विजिट करें मुदिता की मिठाई सूरत सिटी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा फेसबुक पेज टेस्टी स्ट्रीट फूड और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।